iOS 17 स्टेबल अपडेट। वेल सो गाइस, फाइनली एप्पल ने एक और बीटा अपडेट रोल आउट कर दिया है जो कि है iOS 17 की बीटा 7। वेल सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेबल अपडेट की। स्टेबल अपडेट काफ़ी नज़दीक आ गया है एंड इसकी जो डेट है वो सारी ही चेंज हो चुकी हैं। जी हाँ गाइस, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो अभी अपडेट दिया गया है बीटा 7 iOS 17 का, जो इसका लास्ट बिल्ड नंबर है वो 8 डिजिट निकल के आया है। डैट्स मीन कि आप सभी RC अपडेट के नज़दीक आ गए हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप स्टेबल अपडेट को डाउनलोड करेंगे, जिसको हम यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट बोलते हैं या फिर कह लें कि फाइनल वर्जन ऑफ iOS 17। एंड जितने भी अपने 16 यूज़र हैं, आप सभी को जो है शायद 16.6.1 का अपडेट ना देखने को मिले, डायरेक्टली 16.7 का अपडेट देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे मेन फोकस करते हैं, ये जो चेंजेस आए हैं अपडेट में वो मैं आपको बता देता हूँ, क्यों जो है आपका स्टेबल अपडेट नज़दीक आ गया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो अभी अपडेट आया है बीटा 7 का, तो इसमें जो है बिल्ड नंबर जो है जिन्होंने अपडेट किया है उसका जो लास्ट डिजिट है वो आपको A देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि इंडिकेट करता है कि अब आपको इसके ऊपर कोई भी बीटास अपडेट नहीं, बल्कि ये जो फाइनल बीटा अपडेट होता है इसके बाद आपको RC अपडेट दिया जाता है, जिसको हम रिलीज कैंडिडेट बोलते हैं। एंड प्लीज़ गाइस, iOS 17 स्टेबल अपडेट को डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस हिट कर दो बेल आइकन को, ताकि हम ऐसे ही आईफोन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें आपके लिए, तो आप नोटिफिकेशन डेफिनेटली रिसीव होना चाहिए। आई होप आपने कर दिया होगा। चलो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मेंशन करके बता देता हूँ, जो आपको लास्ट में बिल नंबर में 8 डिजिट देखने को मिलता है वो आपको इसका जो है RC अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से नोट डाउन कर लें जो डेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यों आपका स्टेबल अपडेट नज़दीक है, ये देखो आप कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। तो यदि आपको हो सकता है कि यहाँ पे इस वीक यानी कि जो 29th अगस्त तक आपको हो सकता है कि आपको बीटा 8 देखने को मिले, अदरवाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी 8 डिजिट देखने को मिल चुका है बिल्ड नंबर में। डेट्स है, अब आपको इसका यहाँ पे लास्ट बीटा अपडेट है, इसके बाद आपको रिलीज़ कैंडिडेट मिलेगा जो कि सितंबर के 1st वीक। बट अगर हो सकता है कि चांसेस हो जाएं कि आपको यहाँ पे एक और बीटा मिल जाए, जो कि आपको मैक्स टू मैक्स 29 अगस्त तक देखने को मिलेगा, इस डेट तक अदरवाइज़ नहीं मिला, तो आप जो है रेडी हो जाएं, सितंबर के 1st वीक में आपको इसका रिलीज़ कैंडिडेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको रिलीज़ कैंडिडेट मिल जाता है, उसके दोस्तों आपको जो है यहाँ पे 18th नहीं बल्कि आपको 11th, जी हाँ दोस्तों, सितंबर को आपको इसका जो है ऑफिशियली स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपको iOS 17 की बीटा 8 देखने को मिलती है, मिलेगी तो वो जस्ट आपको 29 अगस्त तक मिलेगी, अदरवाइज वो स्किप हो गई तो आपको डायरेक्टली जो है RC अपडेट देखने को मिल जाएगा इसी 1st वीक में सितंबर के। देन आपको जो सितंबर को आपको इसका ऑफिशियली स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। तो दोस्तों ये अपडेट है, तो अब देखना है दोस्तों यहाँ पे एक और बीटा आती है या फिर नहीं आएगी, तो डायरेक्टली आपका जो यहाँ पे नहीं आती है तो अब जो आपको यहाँ पे 18 सितंबर तक नहीं बल्कि 11 सितंबर को ये ऑफिशियली अपडेट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये है सारी अपडेट, स्टेबल अपडेट के नज़दीक काफ़ी पहुँच चुके हैं हम लोग एंड काफ़ी इंजॉय करेंगे इस अपडेट में। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।